हाय, गुड 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 इवनिंग। ये देखिए, मैंने मसाला पीसा है। इसमें लहसुन, मिर्चा, प्याज और ये देखिए, दो पैकेट मसाला डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी टमाटर दो, और आज मैं गोड़ी उसकी सीम की गोड़ी की सब्जी बना रही हूँ। और मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा फ्राई करूँगी कम आँच में। और मेरा देखिए रोटी भी बन गया है। खाना मैं जल्दी तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि सबको जल्दी चाहिए होता है। अब इसे हम थोड़े से धीरे आँच में ऐसे ऐसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्के हाथों से, धीमी आँचों पे और हल्के हाथ से। अब ये जो है, ये वाली सब्जी जो है, अब इसमें हम डाल देंगे। हाय गाइस, आ गई मैं अब दोबारा से। ये देखिए, मैंने इसमें सब्जी डाल दिया है। इसे थोड़ा तेज कर दीजिए। हमारे ये गैस ये निकल गया स्टैंड। अब इसे थोड़े ऐसे ऐसे आराम से इसको अच्छे से भूजेंगे। इसको अच्छे से भूज के कम आँच पे धीरे धीरे पकाएंगे। एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को ये सब्जी पसंद नहीं है, फिर भी मैं बनाऊंगी तो उनको खिलाऊंगी ज़रूर। आपको लग रहा होगा कि ये इतनी सब्जी क्यों बनाई, क्योंकि ये हरी सब्जी है ना, तो ख़राब हो जाएगा, गर्मी इतना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से भूज रही हूँ और बना भी रही हूँ ज़्यादा सा। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा तेज़ आंच कर देती हूँ, बस, जो इसे अच्छे से भूजे। बाय गाइस, अभी थोड़ी देर नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे हम। हाय गाइस, आ गई मैं। ये देखिए, मैंने टमाटर काट लिया है और ये मसाला अब मैं इसमें डालूंगी। इसमें डाल दूंगी मसाला, ऐसे मसाला डालूंगी। पैकेट का भी गरम मसाला है ये, राजेश का, एटलीस्ट ये हमारे ससुराल में यही खाया जाता है। और इसको ऐसे डाल देंगे। और ये सब्जी मसाला भी, गरम मसाला और सब्जी मसाला दोनों डालेंगे। डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, वीडियो देखिए, हल्दी डालेंगे। अब ये डाल दी हल्दी। अब थोड़ा सा नमक, बस। इसको हम साइड रखेंगे और इसे हम थोड़ा चलाएंगे। इसको कम आँच में चलाएंगे अच्छे से, जो कि ये पक जाए बढ़िया सा। अब इसे पक जाने के, अभी पका नहीं है, अभी पक रहा है। ये देखिए, हम इसे अच्छे से, ये क्या है पता नहीं क्या। ये देखिए गाइस, मेरा बर्तन कितना काला हो गया है, क्योंकि ये गैस पता नहीं कैसे जल रहा है एकदम। और नया गैस लगाए थे हम, और हमारा पहला वाला जो चूल्हा था वो टूट गया था। अब इसे हम थोड़ा इसे अच्छे से थोड़ा कम आँच में इसे पकने के लिए रखेंगे। ये हमने ढक्कन लगा दिए। अब इस डिब्बा को रख देंगे हम इधर। इसमें हम थोड़ा, इसमें जो कटे हुए टमाटर थे ये भी ऐड कर देंगे, जो आँच से धीरे धीरे पकेगा। और उसके बाद फिर ये पहले बर्तन में इधर रख दूंगी। और ये देखिए, ये जो पानी बचा हुआ है मेरी लाली की बाल्टी में डालूंगी, क्योंकि मेरी गाय है। ये देखिए, इस पतीले को धोकर रख दिया, क्योंकि ज़्यादा तो पानी है। सब्जी पकेगा गाइस। ये देखिए, शाम हो रहा है, और अभी आज मैंने ये पौधे को मैंने इस वाले डिब्बे से मैंने इस वाले बड़े वाले टब में लगा दिया। ये पौधा आपने देखा होगा, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने इस पे छोटे वाले पे लगा, बड़े वाले पे लगा दिया, सॉरी। ये देखिए मेरी फ़िश है, मैंने अभी पानी चेंज किया था आज, अभी थोड़ा ही है, अभी लाइट आने के बाद मैं इसे फुल भरूँगी, फ्रेश पानी एकदम ठंडा। ये देखिए कैसी कर रही है मेरी फ़िश। और ये देखिए, ये मेरे बाहर का घर का लोकेशन, ये मेन रास्ता है
बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगी क्योंकि मुझे अभी पूजा करने जाना है। बाय।